नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है जो मोटरसाइकिल में डिस्क ब्रेक लगी होती है और जो उसमें छेद होते हैं वो किस लिए होते हैं? सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। लोहा हमेशा गर्म होने के बाद फैलता है। ब्रेक लगाने के क्रम में ब्रेक पैड और लोहे के बीच घर्षण होता है और अगर डिस्क ब्रेक में पानी या हवा का अंश आएगा तो यह सही तरीके से ब्रेक लग नहीं पाएगी या ऐसे में कहा जाए कि ब्रेक स्लिपरी यानी फिसलन वाली जगह फिसल जाएगी। इसलिए डिस्क ब्रेक में छेद कर दिया जाता है कि उस पर पानी भी ना जाए और डिस्क ब्रेक हमेशा सूखा रहे, एक अच्छे ब्रेकिंग में तब्दील हो। दूसरा कारण यह है कि ब्रेक लगाने के बाद लोहा का डिस्क काफी गर्म हो जाता है, फैल कर वह विकृत ना हो, इस वजह से इसमें छिद्र होते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।